दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सैलरी और कपड़ों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 1,60,000 की सैलरी होने के बावजूद वो एक दिन में 3 तरह के कपड़े पहनते हैं, जिसके हर कपड़े की कीमत 2 से 3 लाख रुपए तक की बता रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के मुताबिक मोदी जी के कपड़ों की एक दिन की कीमत 7 से 8 लाख रुपए तक है। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, 1,60,000 की सैलरी वाले प्रधानमंत्री जी महीने में 2 करोड़ के सूट कैसे पहनते हैं, कहां से पहनते हैं, कौन देता है? अब अगली बार ध्यान रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के, 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए, तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है, तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।